Good morning, students. Let us continue with our chapter multiplication. Now we are going to do sums which are given on page number 70. Okay, so see the heading here, multiplication facts. So we are now going to learn about multiplication facts. Ye facts kya hote hain? So let us understand this with an example. मैम आपको एक example के साथ समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आए. ओके, सो हियर वी कैन सी सम बीड्स, इजंट इट चिल्ड्रन, व्हाट आर दीज? दीज आर बीड्स. अब ये बीड्स देखिए, काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3. ओके, सो 3 3 बीड्स है सब में. देखिए आप, एक ये ग्रीन, रेड एंड येलो कलर की 3 3 बीड्स है सब में. सो कितने ग्रुप्स है? दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर ग्रुप्स है. और एक एक ग्रुप में कितने बीड्स है बेटा? 3 3 है. तो ऑलरेडी हमको ये पता है कि इसको एडिशन में कैसा शो करना है और मल्टीप्लिकेशन में कैसा शो करना है. सो ऐड कैसा करेंगे? 3 3 बीड्स है 4 ग्रुप्स का. सो 3 + 3 + 3 + 3 12 हुआ. इसी को अगर हम मल्टीप्लिकेशन जैसा शो करना चाहते हैं तो कैसा करेंगे? कितने ग्रुप्स है? 4 ग्रुप्स. एंड एक एक ग्रुप में कितने बीड्स है? 3 बीड्स. सो 4 × 3 = 12. सो बाय एडिंग ऑल्सो वी गॉट द सेम नंबर एंड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो वी गॉट द सेम नंबर, मीन्स द प्रोडक्ट इज द सेम. सो इसी को हम, ये जो प्रोडक्ट है इसी को फैक्ट्स बताते हैं. लेट अस सी वन मोर थिंग. सो इधर हमने 3 बीड्स 4 ग्रुप्स में देखे थे. नाउ सी द बीड्स दैट आर गिवन बिलो. सी हियर व्हाट वी कैन सी, वी कैन सी बीड्स अगेन, ग्रीन, रेड, येलो एंड आफ्टर दैट वी हैव वन मोर ग्रीन बीड. एक और ग्रीन बीड है इधर. सो कितने बीड्स हो गए एक ग्रुप में? इधर 4. जैसा ऊपर में हमको इधर ओनली 3 3 बीड्स है, बट इधर आपके पास 4 4 बीड्स है. और ऐसा 4 बीड्स की कितने ग्रुप्स है? दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, 3 ग्रुप्स है. ऊपर क्या था हमारे पास? 3 3 बीड्स की 4 ग्रुप्स है, बट नीचे 4 4 बीड्स की 3 ग्रुप्स हैं. सो 4 + 4 + 4 करेंगे, 4 + 4 8 को 4 ऐड करिए, 9 10 11 12. सो 12 आंसर है. अगर इसको मल्टीप्लीकेशन में कैसा शो करेंगे आप? 3 ग्रुप्स है और एक एक ग्रुप में 4 है. ग्रुप्स कितने हैं? 3 है और बीड्स कितने हैं? 4 है. सो 3 4 7 12. सो इधर आप एक चीज़ कॉमनली नोटिस कर सकते हैं, व्हाट इट इज़, बीड्स और ग्रुप्स में हमको जो भी नंबर आ रही है मोस्टली सेम है. मतलब ऊपर क्या है? 3 3 बीड्स और 4 ग्रुप्स, 3 और 4, 2 नंबर्स. नेक्स्ट नीचे के एग्जांपल में क्या है कि 4 बीड्स है और 3 ग्रुप्स है. अगेन वी हैव द सेम नंबर्स, इधर 4 × 3, इधर 3 × 4. सो जब भी आपको अगर मल्टीप्लीकेशन में दोनों सेम ही नंबर है तो आंसर आपका सेम ही आएगा. इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बोलते हैं. इसका मीनिंग है 4 3s are 12 ही है और 3 4s are 12 है. बिकॉज 4 और 3 टू डिफरेंट नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट सेम ही आया है. इसी को हम 4 3s are equal to 3 4s are, क्योंकि 4 और 3 को जैसा हमने 2 + 3 किया तो भी 5 आ गया एंड 3 + 2 किया तो भी 5 आएगी आपको. इन द सेम वे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 12 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 12 है. सो द प्रोडक्ट इज द सेम, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. ये है एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, वन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. क्या होता है इफ़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू सेम नंबर्स, उनका ऑर्डर आप चेंज करो तो भी सेम ही नंबर आपको आंसर आएगा. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल दैट इज गिवन हियर. कैंडल्स देखिए इधर, 1 2 3 4 5 6. सो सब में 6 6 कैंडल्स है, 3 ग्रुप्स है. सो 6 + 6 + 6 ऐड किया तो 18. सो इसी को मल्टीप्लीकेशन में कैसा शो कर रहे हैं? 3 ग्रुप्स ऑफ 6 कैंडल्स, 18. बट हियर 3 3 कैंडल्स है और ग्रुप्स कितने हैं?
एक एक ग्रुप में थ्री थ्री कैंडल्स है और ग्रुप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप्स है. सो 3 को 6 टाइम्स ऐड करा तो 18 आएगा आपको. और अगर मल्टीप्लिकेशन में अपन कैसा शोर करेंगे, कितने ग्रुप्स है, 6 ग्रुप्स, और एक एक ग्रुप में कितने कैंडल्स है, 3 कैंडल्स, 6 3 सार भी 18 है. सो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है, 3 6 सार करो या 6 3 सार करो, बात एक ही है, द प्रोडक्ट विल बी 18, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. सो लेट अस डू द सम्स दैट आर गिवन हियर. फिलअप करनी है आपको. आपको ये पता है जब टू नंबर सेम है तो उसका प्रोडक्ट भी सेम ही होगा. 2 8s आर इक्वल टू, कभी भी ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इक्वल टू का मीनिंग ये होता है कि बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नंबर्स होना चाहिए आपको. सो हियर 2 8s आर, 2 और 8 है तो इधर ऑब्वियसली 8 एंड 2 आना चाहिए. 2 8s आर 16, 8 2s आर 16. 3 5 सर, सो 3 है 5 है, सो ऑलरेडी 5 इज देयर एंड 5 इज देयर, अनदर मिसिंग मोर नंबर इज 3, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट 3 हियर. 3 5 सर 15 एंड 5 3 सर 15, बोथ आर सेम. 6 4 सर, तो 6 इधर दे दिया तो दूसरा नंबर क्या है, इक्वल टू का मीनिंग मैम ने क्या समझाया बेटा, इक्वल टू मतलब दोनों तरफ बिल्कुल सेम नंबर्स होना है. इधर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी द सेम. यही तो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में किए थे. सो यू आर जस्ट गोइंग टू डू फ्रॉम डी टू आई एज यू आर टूडेज एच डब्ल्यू. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ अनदर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, एक तो हमने प्रोडक्ट सेम होना वो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखा. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट वन मोर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. 0 को 0 से, 0 से कितने भी 0 से ऐड करो, क्या आएगा आपको, 0. अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, इधर प्लस नहीं दिख रही है, आप ये देखिए द सिंबल हियर इज क्रॉस, एक्स वाली सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है. सो 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0. 3 0 सर 0, मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी 0. मे बी 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 36 हो, 78 हो, 192 हो, नंबर कुछ भी हो, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 0. दैट इज़ वन मोर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. सो जो इधर मैं इसको बॉक्स बना रही हूँ, ये फैक्ट को आपको याद रखनी है. ओके चिल्ड्रन? सो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0, कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपका प्रोडक्ट 0 होगा, या 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी 0 ही है. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑल्सो गिवस अस 0, द प्रोडक्ट विल बी 0, मतलब कोई भी एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 विल गिव 0 एज द प्रोडक्ट. नाउ फिलअप्स आर गिवन हियर, फ्यू फिलअप्स आर गिवन हियर, लेट अस सी दिस. 4 0 सर, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0. 8 0 सर 0. 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ सकता है, 10 को 1 से करो तो 10, 2 से 20, तो इसका मतलब है 0 आंसर आना चाहिए, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगी. 12 मल्टीप्लाइड बाई 0 अगेन गिव्स 0. सो यू आर जस्ट गोइंग टू डू फ्रॉम ई टू एच ऑल्सो ऑन योर ओन. चलो नाउ जस्ट टर्न योर बुक्स एट पेज नंबर 71. सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट मल्टीप्लीकेशन टेबल्स. टेबल्स हो तो हम पढ़ते हैं, ऑलरेडी वी नो अबाउट द टेबल्स. लेट अस सी, इधर एक ही डॉट है, सो वन ग्रुप ऑफ वन, वन वन सर वन. इधर टू डॉट्स है, सो वन मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या आएगा, 1 2 सर 2. 3 डॉट्स, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3. 1 4 सर 4. 1 5 सर 1 6 सर 1 7 सर 1 8 सर 8. 1 9 सर 9. 1 10 सर इट विल बी 10. 1 10 सर 10 है. सो चिल्ड्रन नाउ सी टेबल ऑफ 2 हियर. 2 टेबल देखिए, इधर 1 10 सर 10. नाउ हियर वी कैन सी 2 ब्लॉक्स, है ना, इधर हमने एक ही सिंगल ब्लॉक से किया, बट हियर वी हैव 2 ब्लॉक्स. क्या क्या है, इधर एक वन है, इधर एक है. सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 2 से करिए 1 2 3 4. 2 को 3 से 1 2 3 4 5 6, 2 3 सर 6. 2 को 4 से करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 सर 8. सो मल्टीप्लाइंग बाई 2 गिव्स डबल, मतलब दो दो नंबर आप करते जाओगी तो वो डबल होता है. तो 6 का डबल क्या है 3, 2 का डबल क्या है 4, 4 का डबल क्या है 8, ऐसा.
इज इट ओके चिल्ड्रन? सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस एज योर होमवर्क. सो यू कैन नाउ काउंट एंड फिल इन. वन का हमने कर लिया इन द सेम वे, टू की टेबल आप इधर फिल करेंगे एज योर टूडेज HW. इज इट ओके चिल्ड्रन? डेली आप एक बार टेबल्स भी रीड करिएगा.